इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर 3R कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम NGO के जरिए शहर के नाश्ता सेंटर संचालकों को डिस्पोजल की जगह स्टील की प्लेट और कांच के ग्लास इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है और दुकानों की सूची तैयार कर रहा है, जिसमें अभी तक शहर की करीब 250 दुकानों में डिस्पोजल का काम इस्तेमाल बंद किया जा चुका है, जिसको लेकर निगम आयुक्त ने शहर में अगले 1.5 महीने में डिस्पोजल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कराए जाने की संभावना जताई है। इसके साथ ही निगम आयुक्त ने इस मुहिम में कागजों का इस्तेमाल भी बंद कराए जाने की बात कही है, जिसे नाश्ता सेंटर संचालकों की ओर से सराहा जा रहा है। एक अच्छी सोच है, इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो एक ई कल्चर आ जाएगा एकदम, मतलब कह सकते हैं अपन, जैसे जितना भी ई वेस्ट कचरा जो अपना बढ़ता जा रहा है वो कचरा हो जाएगा, इको फ्रेंडली अपन हो जाएंगे। और ये ठीक है कि भाई एक मतलब अपने को एक स्टाफ लगेगा, उसको मेंटेन दो एक स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी पानी की समस्या रहेगी, पर कहीं ना कहीं वो समस्या को अपन कर सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया मुहिम है, अच्छा है, हम लोग सपोर्ट करेंगे इसका। हम लोगों ने पहले सबसे पहले लिस्टिंग कराई है, उसके तहत जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो चाय की हों या फिर नाश्ते वाली हों या फिर कैटरर्स की हों, उनको हमने चिन्हांकन किया है और सभी तक NGO के माध्यम से मैसेज पहुंचाया है कि डिस्पोजेबल का प्रयोग बंद करके हमको इसके जो विकल्प हैं, चाहे वो कांच की ग्लास हो या फिर कांच की प्लेट हो या फिर स्टील की प्लेट हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं, लगभग हमने 200-250 ऐसी चाय की दुकानें जहां पर डिस्पोजेबल प्रयोग होते थे उनको बंद करा दिया है। और मुझे लगता है आगामी 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग इंदौर में पूरी तरीके से डिस्पोजेबल के प्रयोग को बड़ी ही सहमति के साथ में बंद करा देंगे।